बदमाश अमजद लाला पुलिस पर फायरिंग कर अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने अमजद के साथियों को पकड़ा और सड़कों पर मारते हुए इन गुंडों का जुलूस निकाला ताकि आम लोगों में इनका खौफ खत्म हो सके। पुलिस अमजद की तलाश कर रही है। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम बेलारा में फरार इनामी बदमाश अमजद लाला के आने की सूचना पर सोमवार को सीतामऊ टीआई अमित सोनी उसे पकड़ने पहुंचे। अमजद को टीआई ने पकड़ भी लिया था, तभी उसके रिश्तेदार और साथी आ धमके और पुलिस से झूमर झटकी कर अमजद को छुड़ा ले गए। इसी बीच अमजद ने पिस्टल निकालकर टीआई सोनी पर फायर भी किया। गोली से निकले छर्रे टीआई अमित सोनी के कान के पास से रगड़ते हुए निकल गए। इस बीच अमजद मोटरसाइकिल से फरार हो गया। सीतामऊ थाने के ग्राम बेलारी व सुरजनी में अपराधी किस्म के लाला पठानों का दबदबा है और इनमें से अधिकांश मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और लूटपाट में सक्रिय हैं। यहाँ अक्सर अपराधी पुलिसकर्मियों से बढ़ते रहते हैं। पहले भी सुरजनी में ही सीतामऊ में पदस्थ एक टीआई से मारपीट कर सिल्वर रिवॉल्वर भी छीन ली गई थी। ताजा घटना के बाद इस इलाके में लाला पठानों के अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने अमजद लाला के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। सीतामऊ के लदूना चौराहे से बस स्टैंड तक इनकी पिटाई करते हुए जुलूस निकाला गया। पुलिस इस इलाके से इन बदमाशों का खौफ खत्म करना चाहती है, जिसके लिए जरूरी हो गया था कि आम लोगों के बीच इस तरह की कार्रवाई की जाए। बदमाशों का जुलूस निकलने से आम लोग काफी खुश नजर आए। अभी हमने 3 आरोपी की गिरफ्तारी की है। एक गुलशेर मैन जो था उसका रोल मैन था, वो पकड़ाया है अभी, और गुलशेर के अलावा यूसुफ और गुलबाग पकड़ा है। ऐसे हमने 3 आरोपी को पकड़ा है। एट लेन के पास में इनका कोई कुआ है, उस पर से हमको कोई खबर मिली थी, तो उस पर से हमने सभी अपनी टीम को भेज कर इनके आरोपी की अरेस्ट करनी। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।